नवरात्रि के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर को आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओस पहुंचे हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां रामलीला का भी आनंद लिया। लाओस पहुंचे पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने लाओस के सीनियर बुद्धिस्ट मॉन्क्स द्वारा आयोजित आशीर्वाद समारोह में भी भाग लिया। उन्होंने लाओस में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर बातचीत भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाओस पहुंचने के बाद दोनों देशों की शेयर्ड हेरिटेज और संस्कृति को समझा। पीएम मोदी ने लाओ रामायण का एक एपिसोड देखा जिसे लाओस में फ्लाराक फ्लाराम कहा जाता है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो शेयर किया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि विजयदशमी कुछ ही दिनों में आने वाली है और आज लाओ पीडीआर में मैंने लाओ रामायण का एक हिस्सा देखा जिसमें रावण पर प्रभु श्री राम की जीत को दर्शाया गया है। ये देखकर खुशी होती है कि यहाँ के लोग रामायण से जुड़े हुए हैं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। लाओस में सदियों से रामायण सेलिब्रेट किया जाता है। भारत और लाओस की साझा विरासत और सदियों पुरानी सभ्यता है। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड जैसी कई राज्य बौद्ध धर्म को मानती है, लेकिन यहाँ रामायण से जुड़ी भी कई परंपराएं हैं। लाओस को प्राचीन भारतीय गोल्डन लैंड या लैंड ऑफ गोल्ड के रूप में जानते थे। ऐतिहासिक अभिलेखकों के अनुसार जब अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था तब उनके लोग गोल्डन लैंड चले गए थे और अपने साथ समुद्र पार हिंदू और बौद्ध धर्म की मान्यताएं लेकर आए थे। माना जाता है कि लाओस की रामायण वाल्मीकि आख्यान से बिल्कुल प्रभावित है और ये लाओ की इतिहास और लोगों की जीवन शैली के ढांचे पर आधारित है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है लाओस में रामलीला का आयोजन दोनों देशों के बीच पुरानी सभ्यता और सदियों पुरानी विरासत के कनेक्शन को दिखाता है और कहा कि दोनों देश अपनी साझा विरासत के लिए काम कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।